देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था क्या, सबसे पहले देखा था हैलोजन्स, सबसे पहले रिसेंट चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, हैलोजन्स। हैलोजन्स कितने तरीके के होते हैं, तीन। एक हमने कहा था क्लोरीन, एक बोला था ब्रोमीन और एक बोला था आयोडीन। क्लोरीन का साइन, क्लोरीन का क्या होगा, Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का आय। इसका सफिक, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, क्लोरो, यहाँ पर ब्रोमो और यहाँ पर आयोडो। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अगर मेरे पास CH4 है और इसको मैं क्या कहूंगी, मीथेन कहूंगी, क्या कहूंगी, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पर CH3, एक एच फ्री करके अगर यहाँ पर क्या लगा दूंगी, Cl लगा दूंगी, तो अब इसे मैं कहूंगी क्लोरोमीथेन। अब इसे मैं क्या कहूंगी, क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, अगर यहाँ पर दो कार्बन होते, ठीक है, और यहाँ पर लगा देती ब्रोमीन, बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर देती, हाइड्रोजन से, तो इसे मैं कह रही थी ब्रोमो, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए इथेन। ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1x, जहां पर x क्या होता है, x होता है मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, और CN2N जो रहता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के आटम्स होते हैं। इज दैट क्लियर। बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अल्कोहल देखा था। अल्कोहल का साइन क्या था, ठीक है, अल्कोहल का साइन क्या था, OH। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। अगर एक कार्बन है और उसके साथ OH लगा है, तो बाकी बचे हुए कितने कार्बन लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर, तीन। ये क्या हो जाएगा, CH3OH, दैट इज मीथेनोल। ठीक है, अगर इसकी जगह दो कार्बन होते हैं, यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये हो जाता C2H5OH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल। ठीक है ना, OH, एक दो तीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। ठीक है ना, ये हो जाएगा C3H7OH, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल, क्योंकि कितने कार्बन है, तीन। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल फॉर्मूला, क्या होगा इसका, सबसे फर्स्ट वाले का जनरल फॉर्मूला होगा, सॉरी, पूरे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, दो CnH2n+1OH, या फिर CnH2n+2O। इज दैट क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होता है, सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं COOH। ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक कार्बन चाहिए तो हम लोग लिखेंगे HCOOH, HCOOH, इसे हम लोग कहते हैं मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है ना, ये हो जाएगा CH2O2। अगर दो कार्बन लेने रहते तो एक कार्बन तो COOH का है ही, साथ में कितना ऐड कर देंगे, एक और, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये है CH3COOH, इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि दो कार्बन है तो क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड।
ठीक है, सी टू एच फोर ओ टू, ठीक है। अगर तीन कार्बन होंगे तो सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड। सी थ्री एच सिक्स ओ टू, क्लियर है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा सी एन एच टू एन ओ टू। देखो एक तरफ क्या लेंगे हम लोग, एल्डिहाइड, और एक लेंगे क्या, कीटो, ठीक है ना। एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और दूसरी तरफ कीटोन के केस में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर से भी सिंगल बॉन्ड और इधर से भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अब फर्क क्या रहता है और एल्डिहाइड और कीटोन हमें साथ में क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एल्डिहाइड में आप यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो और आप यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कार्बन चेन भी लग सकती है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या लग सकती है, कार्बन चेन, हाइड्रोजन के साथ क्या लग सकती है, कार्बन चेन, ठीक है ना। लेकिन कीटोन के केस में आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हो, नहीं। आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हो, नहीं। आप दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी कार्बन चेन आएगी और यहाँ पर भी कार्बन चेन आएगी, क्लियर है क्या, बोलो कोई परेशानी, ठीक है। तो ये है क्या अल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन। अगर हम लोग अल्डिहाइड स्टार्ट करें, अगर पहला मेंबर देखे अल्डिहाइड सीरीज का तो वो होगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच, क्या आ जाएगा, एच। अब अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, तो हमने कहा अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो क्योंकि एक कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीथेनल, क्या कहेंगे, मीथेनल, ठीक है ना। अगर इसकी जगह पे दो कार्बन होते, कितने कार्बन होते, दो, ठीक है। तो ये सी एच ओ तो लगा ही दिया हम लोगों ने, यहाँ पर कितने लग जाएंगे, तीन हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो क्योंकि दो कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, इथेनल, क्या कहेंगे, इथेनल। कहानी समझ में आई, ठीक है। अब अगर मुझे तीन कार्बन एटम लेने रहते हैं यहाँ पर, एक यहाँ एक ये और एक ये, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनल, क्या कहेंगे, प्रोपेनल, आ रही है बात समझ में। अब अगर मीथेनल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी एच टू ओ, इथेनल का बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बनेगा सी टू एच फोर ओ, प्रोपेनल का बनाने को जाएंगे तो बनेगा सी थ्री एच सिक्स ओ, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला लिखने को जाएंगे तो होगा सी एन एच टू एन ओ, ठीक है ना, बोलो कोई परेशानी, आगे जाए नेक्स्ट। अगर यही कहानी हम लोग कीटोन में करेंगे तो कीटोन क्या होता है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड होता है, कीटोन का सफिक्स होता है ओन, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन, ओ एन ई, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ करेंगे तो यहाँ पर भी एक कार्बन चेन आएगी, इधर पर भी एक कार्बन चेन आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन अलाउड नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अलाउड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री, ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री। टोटल कितने कार्बन हो गए, एक दो और तीन, कीटोन स्टार्ट ही कितने कार्बन से होते हैं, तीन, यानी कि सिंपलेस्ट कीटोन क्या होगा, प्रोपेनोन, सिंपलेस्ट कीटोन क्या होगा, प्रोपेनोन। अगर इसकी बजाय यहाँ पर हम लोग इधर पे दो लगा देते, इधर पे एक लगा देते, यहाँ पे दो लगा दिए, ये सी एच थ्री, ये सी एच टू, ये सी एच थ्री, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, चार, और क्योंकि चार कार्बन हो गए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक ब्यूटेनॉन, ठीक है ना। अब अगर दोनों तरफ दो दो लगा दिए, ठीक
जैसे हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेनो। पेंटेनो, ठीक है ना। ये होगा C3H6O, ये होगा C4H8O, ये होगा C5H10O, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा, CnH2nO। यानी कि देखो, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला तो क्या है, सेम ही है, लेकिन फर्क कहाँ है कि अल्डिहाइड में दोनों में से किसी भी तरफ तुम क्या लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो। कीटोन के केस में एक भी तरफ हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? देखो, अब हम लोगों ने देखो कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO2, ठीक है ना। सिंबल क्या होता है, COOH। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछते हैं सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उसका फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मतलब जिसमें क्या होगा, या तो एक कार्बन होगा या दो कार्बन होगा, जैसा भी, ठीक है ना। तो इसका सिंपलेस्ट मेंबर कौन होता है, मिथेनोइक एसिड। दूसरे मेंबर्स कौन से होते हैं, इथेनोइक एसिड जिसमें दो कार्बन होते हैं, प्रोपेनोइक एसिड जिसमें तीन कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखे थे क्या, हैलोजन्स। हैलोजन्स कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1X, ठीक है ना। एक कार्बन हुआ तो बोलेंगे क्लोरोमीथेन, दो कार्बन हुए तो क्लोरो इथेन, तीन कार्बन हुए तो क्लोरो प्रोपेन। आ रही बात समझ में, क्लोरो की जगह ब्रोमीन होगा तो क्या आ जाएगा, ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो क्या आ जाएगा, आयडो। क्लियर है? आगे जाएं, नेक्स्ट अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल क्या होता है, ओ सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है ना। ओल होता है इसका सफिक्स, ठीक है ना। सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, मीथेनॉल। सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल कितना हो जाएगा, मीथेनॉल। दो कार्बन वाले इथेनॉल, तीन कार्बन वाले प्रोपोन, ठीक है ना। अब अभी हमने आज क्या देखे, अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। सफिक्स क्या लगेगा, अल। सिंपलेस्ट कौन सा होगा, मीथेनल। सिंपलेस्ट कौन सा होगा, इसके अलावा इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल सब कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कीटोन देखा। फिर हमने क्या देखा, कीटोन देखा। कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। कीटोन के कार्बन के साथ कभी भी आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, आपको जोड़ना भी है तो आप क्या जोड़ोगे, कार्बन। कार्बन यानी कि इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन ही आएगी। इसके दोनों तरफ क्या आएगी, कार्बन की कार्बन चेन ही आएगी। बोलो, कोई परेशानी? आया समझ में? तो सिंपलेस्ट कीटोन होगा ही क्या, प्रोपेनोन। सिंपलेस्ट कीटोन क्या होगा, प्रोपेनोन, ठीक है ना। इसके बाद ब्यूटेनोन भी हो सकता है, पेंटेनोन भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब हमने जितने भी ये सारे फंक्शनल ग्रुप देखे, जितने भी हम लोगों ने क्या करे, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप देखे, इसमें जब दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर का डिफरेंस निकाल रहे थे, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, या फिर मिथेनॉल के बाद इथेनॉल, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल। दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में हमेशा CH2 का ही फर्क आ रहा था, कितने का गैप आ रहा था हर बार, CH2 का। तो ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। ऐसी सीरीज जिसमें कौन सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। ऐसी सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कितने का गैप होता है, CH2 का, ठीक है ना। इनकी सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या शो करती है, रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब पहले गैसेस होगी, फिर लिक्विड होंगे, फिर सॉलिड होंगे। पहले वालों के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। धीरे धीरे हम लोग जाते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो
ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी आई समझ कहानी?